नमस्कार, मैं हूं नीलू। मेरे साथ है मेरे सहयोगी कंचन। और हम आपको बता दें, 14 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, मतदान फतेहपुर में केंद्र के बाहर मारपीट हुई है। शादीपुर मतदान केंद्र पर इस मारपीट को अंजाम दिया गया है। बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ता समर्थक आपस में भिड़ गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो फतेहपुर से ये मामला सामने आया, जहां पर मतदान केंद्र के बाहर मारपीट हुई है। शादीपुर मतदान केंद्र पर आपस में ही उलझ गए बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ता समर्थक। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वायरल वीडियो की, जब एसपी और बीजेपी के समर्थक आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शादीपुर मतदान केंद्र फतेहपुर का एक सीट, जहां पर एक पोलिंग बूथ पर इस तरह से आपस में भिड़ते दिखाई दिए बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ता। धारा सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। धारा, क्या खबर मिल रही है, किस बात को लेकर आखिर गुत्थम गुत्था हो गए दोनों के कार्यकर्ता, एसपी और बीजेपी के? जी बिल्कुल, बता दें कि थाना कोतवाली इलाके के शादीपुर के पोलिंग बूथ का मामला है, जहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहस हो जाती है। बहस इतना बढ़ती है कि मामला मारपीट तक पहुंचता है। हालांकि मारपीट की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। वहां पर दोनों पक्षों के समर्थकों को खदेड़ दिया गया है। पुलिस ने शुरुआती तौर पर यह जानकारी दी है कि मामले में अन्य छानबीन की जा रही है और जल्द ही इन लोगों को चिन्हित कर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस यह मानकर चल रही है किसी भी प्रकार की कोई अराजकता नहीं पोलिंग बूथ के आसपास होने दिया जाएगा। चुनाव अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से यहां से संपन्न हो रहा है, इसको शांतिपूर्ण तरीके से ही संपन्न कराया जाएगा। अगर वो किसी भी दल का कोई भी अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पुलिस अब इस मामले में छानबीन कर रही है। तो क्या जिस दौरान ये झगड़ा लड़ाई वहां पर चलता रहा, क्या कुछ मतदान में भी दिक्कत आई क्या ऐसे लेकर? देखिए, जिस वक्त दोनों पार्टी के समर्थक भिड़ जाते तो वहां पे अफरा तफरी का माहौल थोड़ी देर के लिए जरूर हुआ था, लेकिन पोलिंग बूथ पे ही पुलिसकर्मी तैनात थे। हालांकि पुलिसकर्मियों ने समय रहते वहां मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के लोगों को वहां से खदेड़ दिया है। लेकिन अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, यहां पर अराजकता फैलाने की स्थिति उत्पन्न कैसे हुई है, इसमें से कौन कौन मुख्य साजिश करता है जिन्होंने यहां पे विवाद करने की कोशिश की है या फिर मारपीट की है। जांच का मामला है, जांच के बाद ही पुलिस इस मामले में कार्रवाई की बात कर रही है। ठीक है धारा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और आइए आगे बढ़ते, एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। सीतापुर से बड़ी खबर, जहां वोट डालने को लेकर विवाद हुआ है। पुलिसकर्मी और वोटर के बीच में कहासुनी हुई है, मतदान करने से रोकने का भी आरोप लगाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पांचवें चरण का रन चल रहा है, उसी बीच झगड़े की भी खबरें आ रही हैं, इनको लेकर वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये ताजा जानकारी सीतापुर से, जहां वोट डालने को लेकर विवाद हो गया दो पक्षों में, पुलिसकर्मी और वोटर के बीच में कहासुनी हुई है। संदीप मिश्रा और जानकारी देंगे। संदीप मिश्रा, क्या था विवाद? जी बिल्कुल कंचन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र के सिधौली विधानसभा का यह बाड़ी का इलाका है, बाड़ी का मामला है। बताते हैं कि यहाँ पर मतदाता जो है मतदान करने के लिए पहुंचे थे, वहां पर उनको आधार कार्ड से वोट डालने के लिए मना कर दिया गया है। वोटरों का कहना था कि जो 12 विकल्प 13 विकल्प दिए गए हैं उसमें एक विकल्प आधार कार्ड का भी है और हम वो लोग आधार कार्ड पर वोट डालने के लिए आए थे, लेकिन पुलिसकर्मियों जो अंदर वो लोग मतदाता वोट डालने के लिए गए थे उनको आधार कार्ड से वोट डालने नहीं दिया गया। इसी बात को लेकर पुलिसकर्मियों और मतदाताओं के बीच में तीखी नोकझोंक हो गई है। मामला बढ़ता देखते हुए वहां पर भारी पुलिस बल भी मौके पर उपलब्ध हो गया और शेष सूचना मिलते ही अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। अधिकारियों का इस पूरे मामले को लेकर साफ तौर पर कहना था कि कुछ ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ लोग आधार कार्ड का फर्जीफिकेशन करके जो है डुप्लीकेट आधार बनाकर जो लोग व्यक्ति मर चुके हैं या नहीं है उनके आधार कार्ड बनाकर नजर बनाए रखिए। संदीप मिश्रा, फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। के प्रति लोगों का विश्वास है, मोदी जी और योगी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस चरण की 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतने जा रही है। सर, जिस तरीके से लखनऊ की अगर बात की जाए तो यहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में हैं, वहीं दूसरी तरफ कौशल किशोर जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो भी चुनावी मैदान में हैं। चार मंत्री ऐसे हैं आपके जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, इन चार सीटों के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, आज पांचवें चरण में फतेहपुर में हमारी भारत सरकार की राज्य मंत्री आदरणीय बहन साध्वी निरंजन ज्योति जी, अमेठी में भारत सरकार की हमारी वरिष्ठ मंत्री हमारी बहन आदरणीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी और हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष
और मंत्रिमंडल के भारत सरकार के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक आदरणीय राजनाथ सिंह जी चुनाव मैदान में हैं लखनऊ से, भारत सरकार के मंत्री कौशल किशोर जी और सहित भारतीय जनता पार्टी के अनेकों वरिष्ठ लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार का हमारी सरकार का काम है और हमारे नेताओं का स्थानीय जनप्रतिनिधि के नाते लोगों से संवाद, संपर्क, आत्मीयता, उनकी उपस्थिति जनता के बीच में लगातार बनी हुई है और मोदी जी के और योगी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो 14 सीटें जिनमें आज मतदान हो रहा है उसमें भाजपा जीतेगी। मेरा सभी मतदाता भाइयों बहनों से निवेदन है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में एक उत्सव के रूप में मनाएं और घर से निकल के अधिक से अधिक मतदान करें, मतदेय स्थलों पर जाएं, स्वयं भी जाएं, लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करें। सर, जिस तरीके से बात की जाती है रायबरेली से, राहुल गांधी खुद चुनावी मैदान में है रायबरेली से, अमेठी से केएल शर्मा चुनावी मैदान में है, ये जो सीटें हैं कांग्रेस पार्टी यहां पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है, क्या कहेंगे? राहुल गांधी का लगातार कहना है कि वो ये सीटें जीत रहे हैं और जो इंडी गठबंधन है वो सरकार बनाने जा रहा है। पिछले आप देखेंगे कार्यकाल, राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद एक बार भी अमेठी नहीं गए, वायनाड चले गए, वायनाड से भाग के अमेठी रायबरेली आ गए। तो इनके चरित्र को जनता सब जानती है, जनता में इनकी उपस्थिति जल्दी आए ताकि आप लोगों के जरिए ये जो पब्लिसिटी होगी कि हम लोग मतदान करने आए, हम भी आए थे, धर्म जी भी आए, मेषा आई है, हमारे परिवार के सब लोग आए हैं, एक एक जन को हमने रिक्वेस्ट किया, प्लस ऑल द हमारे जो हेल्पर हैं घर में भी उनको भी बोला है कि आप लोगों को जाके वोट देना है। इतना तक हम लोग कर सकते हैं, बाकी ये वीडियो आपका जो देख कर जो इंस्पायर होंगे कि जो घर में बैठे हैं आराम कर रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, बाहर निकल के आके वोट देने आएंगे। उम्मीदवार है और आप वहाँ से चुनाव प्रचार करके अब यहाँ पर आई हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको महाराष्ट्र की जनता से, मुंबई की जनता से? महाराष्ट्र की जनता काफी समझदार है और उनको मालूम है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है ये वोटिंग करना, ये मतदान जो इतना मतदान है, ये दान के लिए हम लोग आप लोगों से आकर मांगते हैं, ये दान बराबर दें और सही लोगों को देना चाहिए, यही हमारा रिक्वेस्ट है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, 400 पार का सपना सब लोग, 400 पार का सपना, 400 पार का सपना जो है डेफिनेटली पार होगा, क्योंकि इतना सब कुछ मोदी जी ने किया है पूरा देश के लिए, देश के लोगों के लिए, हर वर्ग। तो हेमा मालिनी अपने पूरे परिवार के साथ जुड़ी हुई थी, अब वहां मतदान करने पहुंची और उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि देखिए ये मत का दान है, इसे जरूर करिए। हमारे साथ तमाम सहयोगी और कुछ पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। राजीव इस वक्त हमारे साथ रायबरेली से जुड़ गए हैं। राजीव, पहले तो ये बताइए, अब गर्मी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, 11 बज चुके हैं, ऐसे में मतदान किस तरीके का चल रहा है? और अगर बात की जाए रायबरेली की तो हॉट सीट है और पर गांधी परिवार की जो कहते हैं ना कि किस्मत जो है वो दाव पर लगी हुई है कि एकमात्र सीट है, अगर वो भी निकल गए तो फिर गांधी परिवार का क्या होगा या फिर कांग्रेस का क्या होगा? देखिए, यकीनन रायबरेली को कांग्रेस परिवार का गढ़ कहा जाता है, गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि इस वक्त मैं प्राथमिक विद्यालय गोरा बाजार नगर क्षेत्र में खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो वोटरों के पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है और वो पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहां पहुंचे हैं जिनसे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। दादा, किन मुद्दों को लेकर आज आप वोट करने आए हैं? मतलब बच्चों की पढ़ाई करके नौकरी वोकरी मिले, पेंशन वापस हो, पेंशन नहीं दी। आप क्या लगते हैं, क्या मुद्दे हैं? एजुकेशन पे है जी, एजुकेशन सुधरे और रोजगार आए बस। तो जैसा कि आपने सुना और जैसा आप देख रहे हैं कि अंदर भी लगातार जो यहाँ पर मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं। अगर रायबरेली की बात करें तो 1952 से लगातार फिरोज गांधी के बाद, चाहे इंदिरा गांधी हो, सोनिया गांधी हो, लगातार यहाँ से सांसद निर्वाचित होती आई हैं। सिर्फ दो मौके ऐसे रहे, 1977 में राजनारायण जी जो कि बीकेडी से थे उन्होंने कांग्रेस को हराया था, और 1998 में बीजेपी के अशोक सिंह ने कांग्रेस को हराया था। लेकिन उसके बाद से 1952 से लगातार कांग्रेस यहाँ पर जीतती रही है।
है आपसे। कुछ ही देर बाद राहुल गांधी भी रायबरेली पहुंच रहे हैं और वो एक एक कर इसी तरह जो मतदान चल रहा है उन मतदान केंद्रों का निरीक्षण करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह का मतदान हो रहा है। किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने आई हैं? आप लोग क्या सोचकर वोट करने आई हैं, क्या मुद्दे हैं? देश के विकास और जो है युवाओं के लिए नौकरियां, इन सब के लिए। आप दादा क्या कहना चाहेंगे? ठीक है राजीव, इस पर हमारे साथ राजेश चौधरी जी भी मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे इस पर एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। राजेश जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही होगी तो देखिए, हॉट सीट और बेहद महत्वपूर्ण सीट कांग्रेस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि राहुल गांधी पर जिम्मेदारी सीट को जीतने की नहीं बल्कि अपने पूर्वजों की इस सीट को बचाने की है। और वहीं सोनिया गांधी एक भावुक अपील करती हैं कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं, यह आपको निराश नहीं करेगा। तो बीजेपी का एक बहुत ही सख्त प्रहार राहुल गांधी पे और सोनिया गांधी की एक भावुक अपील, क्या लगता है बड़ा खेल कर सकती है इस सीट पर राजेश चौधरी जी? राजेश चौधरी जी से तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन और भी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। फखरुल हसन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। तो आप दे दीजिए इसका सवाल, आप तो अलायंस में, आप तो गठबंधन में, आप भी इस पर जवाब दे सकते हैं। क्या लग रहा है आपको, सोनिया गांधी की भावुक अपील रायबरेली में राहुल गांधी को जीत दिलाएगी? मैं तो आपके चैनल पे ही देख रहा हूँ, जिनसे आपने बात की, सबने कहा कि हम रोजगार के लिए वोट डालने जा रहे हैं, नौकरी के लिए वोट डालने जा रहे हैं। तो नौकरी नहीं मिली उन्हें, रोजगार नहीं मिला, इसलिए मैं समझता हूँ जिनसे भी आपने बात की, सब परिवर्तन के लिए वोट डालने जा रहे हैं, सब राहुल गांधी जी के लिए वोट डालने जा रहे हैं। तो तस्वीर तो बहुत साफ है, आपके चैनल पर भी बिल्कुल साफ नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को भी साफ नजर आ रही होगी। वो अलग बात है कि राजनीतिक मजबूरियां होती हैं कि अभी कैसे कह दे कि रायबरेली की सीट को हार चुके हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी 5 लाख से कम वोटों से वहां से जीतने वाले नहीं है, 5 लाख से ज्यादा ही वोटों से रायबरेली की सीट जीतेंगे, अमेठी की सीट भी कांग्रेस जीतेगी। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का माहौल पूरे देश में है, उत्तर प्रदेश में देखिए तो आप इलाहाबाद और फूलपुर की कल की रैली देख लीजिए तो सारे रिकॉर्ड टूट गए, जितनी हम उम्मीद करते थे उससे 10 गुना ज्यादा भीड़ जनता की आई। वो वही नौजवान है जो परिवर्तन चाहते हैं, ये वही नौजवान है जिनके पेपर लीक हुए, जिनको रोजगार नहीं मिला, जो रोजगार के लिए जाते तो लाठी पटकी जाती है। ये वही ठीक है, अपनी अपनी बातें सभी पार्टियां कर रही है, हालांकि 4 तारीख के बाद हो जाएगा कि कौन सत्ता में है और कौन सत्ता से बाहर है, यानी कि विपक्ष में बैठा दिखाई दे रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बांदा के बूथ संख्या 394 पर ईवीएम खराब हो गई है, गुरौला बूथ पर 1 घंटे से ईवीएम खराब है, बूथ पर पिछले 1 घंटे से मतदान रुका हुआ है। तो 1 घंटे से गुरौला बूथ, जो बांदा के बूथ संख्या 394 है, उस पर ईवीएम खराब होने की वजह से 1 घंटे से मतदान रुका हुआ है और 1 घंटे से मतदान रुका हुआ। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, रायबरेली में जिस तरह से हमारे रायबरेली से राहुल गांधी को आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे हमारे संवाददाता भी बता रहे थे और वो बता रहे थे कि अलग अलग बूथों पर जाएंगे, वहां पर निरीक्षण करेंगे, पहुंचेंगे, तो इस तरह की बातें कर रहे थे। अब राहुल गांधी अपने गाड़ी में सवार हो गए हैं और यहां से अलग अलग बूथों में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि देखिए रायबरेली की जो सीट है वो गांधी परिवार की प्रतिष्ठा वाली सीट है और इस वक्त प्रयागराज से एक बड़ी खबर आ रही है, तस्वीरें हम आपको दिखाते ही रहेंगे राहुल गांधी से जुड़ी हुई, लेकिन बता दें प्रयागराज से अफजाल अंसारी की सजा पर सुनवाई टल गई है, हाईकोर्ट कल करेगा अब सजा पर सुनवाई। अफजाल के चुनाव लड़ने पर संकट अब भी बरकरार है, सजा के खिलाफ अफजाल ने अपील की थी, गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी सजा, गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी और अगर सजा मिल जाती है 3 साल से ज्यादा की तो फिर ये लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अफजाल एसपी की तरफ से कैंडिडेट बनाए गए हैं, लेकिन आज जो सुनवाई होनी थी वो सुनवाई टल गई है, अब ये सुनवाई कल होगी और फिर इस पर पता चलेगा कि अफजाल का राजनीतिक करियर किस तरीके का रहने वाला है। यहीं पर फुल स्टॉप लगता है, इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ पाएंगे या फिर नहीं लड़ पाएंगे ये कल की सुनवाई पर अब डिपेंड करेगा। जो आज सुनवाई होनी थी वो टलकर अब कल की तरफ बढ़ गई है। और सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और अलाउद्दीन हमारे साथ लखनऊ से इस समय मौजूद हैं, जल्दी से उनसे एक रिएक्शन ले लेते हैं। अलाउद्दीन, राजनाथ सिंह के लिए कहा जा रहा है दूर दूर तक यहां पर विपक्ष नहीं है, दूर दूर तक उनको कोई चुनौती देने वाला नहीं है, कैसा चुनाव चल रहा है? वोटिंग परसेंट की बात करें तो 12% तक का 9 बजे तक का मतदान हुआ है, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ रहा होगा और पोलिंग बूथ पर लोगों के आने का सिलसिला भी।
देखिए सुबह का जो वक्त था वो थोड़ा सा मौसम उस वक्त टेम्परेचर कम था, उस वक्त लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन एक बार फिर से थोड़ी सी जो खास इलाके पौश इलाके हैं, चाहे गोमती नगर की बात कर लें, इंदिरा नगर या विकास नगर, थोड़ा वोटरों में थोड़ी मायूसी और थोड़ा सा तादाद उनकी अब कम दिखाई दे रही है। पोलिंग बूथ पर इक्का दुक्का ही लोग नजर आ रहे हैं। लखनऊ में हालांकि तीन चुनाव चल रहे हैं, एक मोहनलालगंज लोकसभा का, एक लखनऊ का और तीसरा उपचुनाव है विधानसभा का, उसकी भी बात होना जरूरी है। लखनऊ जो पूर्वी थी, पूर्व मंत्री के निधन के बाद वो सीट खाली हुई थी, हालांकि वो सीट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई चल रही हुई, तो वो सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन जिस तरह से सूरज अब बढ़ रहा है, राजधानी लखनऊ के लोगों से न्यूज 18 की भी यही अपील है कि उन लोगों को निकलना चाहिए, वोट कास्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 11 बजने के बाद करीब 8 या 9 बूथों पर हमारा जाना हुआ, माल एवेन्यू के बूथ पर जाना हुआ, इसके अलावा VIP इलाका विक्रमित मार्ग का है वहां पर, नगर निगम का बूथ, इस्लामिया इंटर कॉलेज का, फिलहाल हम लोग राजनाथ सिंह के बूथ पर खड़े हुए हैं जहां पर वोट कास्ट हो रहा है। थोड़ा सा यहां पर स्लो वोटिंग आप कह लें या फिर मतदाताओं के ना निकलने की बात देखने को मिल रही है, तो ऐसे में राजधानी लखनऊ पिछली बार बहुत मुश्किल से 50% के करीब पहुंचा था, तो एक बार फिर से न्यूज 18 भी तमाम लोगों से अपील करता है कि मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, घरों से जरूर निकलें। जो 9 बजे तक डेटा था वो करीब 11% का था, अब से कुछ मिनट के बाद 11 बजे तक का डेटा भी आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से थोड़ा मामला उत्साहवर्धन हो जाएंगे। जहां तक मामला है पॉलिटिकल, जो बात आप कह रही है बिला शक्शुबा राजनाथ सिंह, लौटेंगे, आप नजर बनाए रखिए। अब इस पर जवाब रतिभान त्रिपाठी जी से ले लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रतिभान जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? सर देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, ये हम सेकंड हाफ कहेंगे, मतलब 70% देश में मतदान हो चुका है, 80% आप कहेंगे, 20% सातवें और छठे फेज में वोटिंग होगी, लेकिन अब तक के पिछले जितने भी आप चरण देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद भी लगातार वोट परसेंटेज गिरता हुआ नजर आ रहा है, क्या समझेंगे? वोट प्रतिशत जो है ये किसी के लिए शुभ समाचार लेकर आएगा या फिर किसी के लिए अशुभ समाचार लेकर आएगा, क्या आपका विश्लेषण कहता है? ये मुझे लगता है वोट परसेंटेज जो गिरा है या गिरता जा रहा है, उसकी वजह, एक बड़ी वजह मौसम भी है, इधर लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, तो एक बड़ा तबका ऐसा हुआ करता है जो सोचता है कि नहीं, हमें क्या फायदा, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, क्यों प्राण दें हम गर्मी में, इतनी गर्मी पड़ रही है, तो इस वजह से भी वोट परसेंटेज गिरता है। लेकिन जो वोट परसेंटेज गिरने की का जो असर है वो दोनों पक्षों पर पड़ सकता, पक्ष पर भी विपक्ष पर भी, ये कहना कठिन है कि नहीं, अगर ये देखा जाए कि नहीं, कई जगह जो समाजवादी पार्टी के वोटर कहे जाते हैं या कांग्रेस के वोटर कहे जाते हैं, उनकी कतार बहुत लंबी तो सर, दिख रही है। सरकार पर सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि विपक्ष ने यही बात कही थी कि पिछली बार 2019 में भी 7 फेजेस में इलेक्शन हुए और 2024 में भी कम फेजेस में इलेक्शन हो, जल्दी इलेक्शन हो, ताकि गर्मी या फिर जो भी बीच में रोड़े अटकते हैं वोट। अनुरोध करूंगा कि मतदान करिए, आलस्य छोड़कर मतदान करिए, रिकॉर्ड तोड़कर मतदान करिए, और विकसित भारत के लिए, सुरक्षित भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए और गौरवशाली भारत के लिए जिसको उचित समझिए उसे मतदान करिए। क्योंकि एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि इस राष्ट्र को उतनी क्षति दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई है जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है, इसलिए निष्क्रियता मत दिखाइए, मताधिकार आपका अधिकार भी है और कर्तव्य है। 400 पार का नारा दे रही है NDA और विपक्ष कह रहा है कि इस बार 400 पार नहीं होना है। मुझे लगता है कि सुधांशु त्रिपाठी को आप सुन रहे थे और सभी लोग अपने अपने जगहों पर वोट कर रहे हैं। लखनऊ में सुधांशु त्रिपाठी जो एक VIP वोटर हैं, वो पहुंचे थे वोट करने के लिए और उन्होंने कहा कि लोगों से कहा कि देखिए भाई, आप घरों में मत रहिए, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, कितनी भी दिक्कत क्यों ना आए, वोट जरूर करें। रतिभान त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से कंचन ने भी पूछा रतिभान जी कि लगातार BJP यही कहती रही है कि अब जीत कर हम ही आएंगे, 400 पार का नारा भी दिया है, वोट परसेंटेज कम होते चले जा रहे हैं, लेकिन इस बार जो लहर थी ना वो लहर नहीं दिखाई दे रही है। वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है तो कहते हैं कि शायद सत्ता परिवर्तन हो जाए, वोटिंग परसेंटेज कम होता है, इस तरह की तमाम बातें होती हैं, लेकिन इस तरह से इस बार जो प्रेडिक्शन है वो प्रेडिक्शन करने वाले लोग भी ये सोच रहे हैं कि ये किस तरह का वोट है, किसके पक्ष में जाएगा, ये बड़ा ऊहापोह की स्थिति है इस चुनाव में। 2014 के चुनाव के बाद का जो आप माहौल देखें तो 2017 उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करूं, 2017 फिर 2019 फिर 2022, इन तीनों चुनावों में सड़क पर कोई हंगामा नहीं दिखा, सड़क पर कोई ऐसी ललक नहीं दिखी, ऐसी कड़की नहीं दिखी कि नहीं नहीं सब एकदम पूरी ताकत से वोट देने, लेकिन वोट तो किया,
वोट किया और किसे जिताया ये पता है। तो मे बी कि इस चुनाव में भी वही स्थिति हो, पर अभी ये कहना कौन जीते कौन हारे कठिन है। मुझे लगता है वोटों की उदासीनता दोनों पक्षों से है, सत्ता पक्ष से भी है और विपक्ष से भी है। तो वोटों की उदासीनता को लखनऊ की अगर बात की जाए तो यहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में हैं, वहीं दूसरी तरफ कौशल किशोर जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो भी चुनावी मैदान में हैं। चार मंत्री ऐसे हैं आपके जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, इन चार सीटों के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, आज पांचवें चरण में फतेहपुर में हमारी भारत सरकार की राज्य मंत्री आदरणीय बहन साध्वी निरंजन ज्योति जी, अमेठी में भारत सरकार बड़ी खबर आपको बताएंगे। इस बीच वोटिंग तो चल रही है लेकिन पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा के सांसद दिनेश शर्मा ने लखनऊ में जो वोट डाला है उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक एक करके आपको हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा की हैं जो कि लखनऊ में वोट डालने पहुंचे हैं। दिनेश शर्मा के साथ ही उनकी पत्नी ने भी मताधिकार का प्रयोग किया है। तो आज एक तरफ प्रतिष्ठा तो दांव पर लगी हुई है, साथ ही आज दिग्गज जो हैं वो वोट डालते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या मुंबई, महाराष्ट्र और क्या उत्तर प्रदेश, हर जगह पर वोटिंग हो रही है, दिग्गज मतदान करने पहुंच रहे हैं, वोट कास्ट होती तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने लखनऊ में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि अब तक मतदान ठीक तरीके से चल रहा है और इस चरण से पहले ज्यादा वोट पड़ने की संभावना जताई जा रही है। तो पांचवें चरण में लोग यही उम्मीद कर रहे हैं और जो दिग्गज भी हैं, जो चाहे वीआईपी वोटर्स हो, उम्मीदवार हो, सब यही कह रहे हैं कि अब तक जो चार चरणों में हुआ कम मतदान, वैसा ना हो, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो इस पांचवें चरण में। और आगे भी उम्मीद है अभी मतदान बढ़ेगी इसको, और इस बार 2019 के मुकाबले इस चरण के लोकसभा क्षेत्रों में ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा ऐसी मुझे उम्मीद है। और मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि सभी लोग आएँ, अपने बूथ पे आके वोट डालें। पांचवें चरण का रन जारी है, 9 बजे तक 10-12% की वोटिंग हो चुकी है। अब ताजा वोट प्रतिशत जैसे ही आएगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। हमारी मां कवरेज लगातार जारी है, तुरंत लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आगे का फैसला होगा। यूपी की जिन 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा शामिल थे। अब ये तीन तस्वीरें एक बार आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। फरहान और जोया अख्तर जब वोट डालने के लिए पहुंचे उस दौरान की तस्वीर, अक्षय कुमार जब वोट डालने के लिए पहुंचे वो तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं और जाह्नवी कपूर को भी आप देख सकते हैं। तो यहां पर आज इलेक्शन हो रहे हैं इन्हीं के इलाके में और यहां पर वोटिंग जारी है। महाराष्ट्र में पांचवें चरण के चुनाव में 13 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। अभिनेता फरहान अख्तर और जोया अख्तर, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने मुंबई के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला है। भारत की नागरिकता मिलने के बाद अभिनेता अक्षय कुमार ने भी वोटिंग की है और बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर ने मुंबई के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला है। इसके साथ ही लोगों से अपील की है कि कृपया बाहर आए और वोट करें। तो हर किसी की तरफ से यही अपील आज की जा रही है कि अगर आपके क्षेत्र में भी आज मतदान हो रहा है तो अपने घरों से बाहर निकलिए, बाकी के काम बाद में कीजिएगा, सबसे पहले लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लीजिए क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आपका एक वोट प्रत्याशी की किस्मत बदल सकता है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एटा से एक शख्स का तीसरे चरण में हुए मतदान को लेकर वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वीडियो के बाद आरोपी युवक पर कार्रवाई भी की गई है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ऐसा दावा है कि युवक ने एक ही बूथ पर कई बार मतदान किया जिसका वीडियो वायरल हो रहा था। वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता और वीडियो अलीगंज विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या
343 खीरिया पमारान का बताया जा रहा है। और वायरल वीडियो को लेकर यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा तुरंत एक्शन में आए और आरोपी पर एक्शन लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एटा के नयागांव पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। जो युवक दिख रहा है उसका नाम राजन सिंह है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मतदान दल के सभी सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मतदान केंद्र में पुनर्मतदान की सिफारिश भी की गई है। तो कह सकते हैं कि पारदर्शी तरीके से मतदान हो, पूरा ध्यान इसका रखा जा रहा है। और एक युवक जब फर्जीवाड़ा करता हुआ पाया गया तो उस पर एक्शन लिया गया है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। नहीं, एक वीडियो संज्ञान में आया है, वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ है और काफ़ी राजनीतिक दलों द्वारा भी उसका संज्ञान लिया गया है। फरुखाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एटा में अलीगंज विधानसभा थी जिसमें 13 मई को मतदान संपन्न हुआ था। कथित जो वीडियो है उसमें एक व्यक्ति है, लड़का है, जो कि वोट डालते समय अपना वीडियो बनाया है और एक से ज़्यादा बार वोट डालते समय अपना वीडियो बनाया है और उसका मीडिया पर वायरल होने के उपरांत अलीगंज SDM ARO द्वारा उसका संज्ञान लिया गया और उस पर उनके द्वारा स्वयं प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है और उसका इन्वेस्टिगेशन और जो भी जांच प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और प्रभावी कार्रवाई, जो भी कठोरतम प्रभावी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो अमेठी में भी मतदान जारी है। बीजेपी से स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने KL शर्मा को यहां से टिकट दिया है और राहुल गांधी की जगह KL शर्मा को उतारा है। तो जब ये उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ था उस वक्त भी काफी चर्चा यहां पर हुई थी कि राहुल गांधी आखिरकार अमेठी सीट छोड़कर क्यों भाग गए, ये चर्चा का विषय उस वक्त बना था। अब स्मृति ईरानी के सामने KL शर्मा है, ना कि राहुल गांधी। तो ऐसे में यहां पर स्मृति ईरानी के लिए ये और भी आसान हो गई ये सीट जीतना, ऐसा माना जा रहा है। और राहुल गांधी अब अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। तो KL शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी की जगह। तो अमेठी में भी आज मतदान हो रहा है और यहां पर भी वोटिंग के लिए लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। सुबह से ही लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक वोट आपके। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून, बेस्ट यूनिवर्सिटी। प्रत्याशी की किस्मत बदल सकता है, इसलिए इससे चूकने ना पाए, जरूर घरों से बाहर निकलिए और वोट डालिए, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। लोकतंत्र का ये महापर्व 5 साल में एक बार आता है और इस दिन आप वोट जरूर डालें। इसके अलावा आप News18 को भी सेल्फी भेज सकते हैं वोट करने के बाद, नीली स्याही लगी उंगली की। और फिलहाल आपकी स्क्रीन पर तमाम जो जातीय समीकरण हैं, ग्राफिक्स आपके जरिए आप तक हम पहुंचा रखे हैं। अमेठी के जातीय समीकरण आप देख लीजिए, यादव वोटर कितने हैं यहाँ पर वो आपको हम बता रहे हैं, OBC वोटर्स कितने हैं 3 लाख से ज्यादा। तो इन सब चीजों का भी काफी महत्व रहता है जब मतदान होता है, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका फर्क पड़ता है। और अभी तक 4 चरण चूंकि बीत चुके हैं तो ऐसे में अब 5वें चरण में बहुत सारी चीजें बदल गई है। लोगों के जहन में जो चीजें थी वो भी कहीं ना कहीं लोगों ने अब अलग तरीके से सोचना शुरू कर दिया है। चलिए सीधा करते हैं, रुक करते हैं अमेठी से। ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। ऋषभमणि, कौन से बूथ पर आप मौजूद हैं, जरा तस्वीर वहां की दिखाइएगा। जैसा मैं देख पा रही हूं काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है यहां पर बूथ को, और ऐसा इसलिए ताकि मतदाता जागरूक हो। हमने देखा मतदान प्रतिशत पिछले 4 चरणों में थोड़ा कम नजर आया, तो कह सकते हैं मतदाता को जागरूक करने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। जरा तस्वीर दिखाइए और दिखाइए कितना उत्साहित है मतदाता। देखिये, लीला टीकरा यहां पर बूथ पर मौजूद हूं अमेठी लोकसभा में। यहीं पर स्मृति ईरानी का भी वोट पड़ना, इसको आदर्श बूथ बनाया गया है। धूप गर्मी काफी है, लिहाजा यहां पर आप देख सकते हैं जहां से वोटर की एंट्री होती है वहीं से ऊपर से एक टेंट लगा के रखा हुआ है, शेड दिया हुआ है ताकि गर्मी से धूप से कुछ बचाव हो सके। और आप देख सकते हैं यहां पर पीने के पानी के इंतजाम किया गया है, जो भी वोटर आ रहे हैं यहां पर वोट डालने के बाद उससे पहले वो पानी पी सकते हैं। एक
व्हील चेयर का भी इंतजाम किया गया है, जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, वो व्हील चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी कोशिश जरूर की जा रही है जिला प्रशासन की ओर, निर्वाचन विभाग की ओर से, कि यहाँ पर किसी भी तरह से भी वोटिंग को बढ़ाया जाए। मैं 7 बजे से इसी बूथ पे मौजूद हूँ और मैं देख रहा हूँ खुद यहाँ पर कि किस तरह से जो जागरूक यहाँ के वोटर्स हैं अमेठी के, वो सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर वोट डाले। आप वोट डाला ही है माँ? हाँ, खड़ी है। इतनी उम्र आपकी हो गई, इतनी गर्म है, लेकिन सोच रखा था वोट जरूर डालेंगे। हमेशा डालती है वोट? हाँ, हमेशा डालती है। हाँ। पूरा परिवार आता है वोट डालने? हाँ, पूरा परिवार आता है। अच्छा, अब एक चीज और बताइए, अमेठी बहुत चर्चित लोकसभा है, तो जब आप वोट डालती हैं, कोई अपना यहाँ लोकल जो स्थानीय कोई मुद्दा है या कुछ और भी सोचती हैं? वोट किस बात पे देती हैं? वोट नहीं, मैं अपने मन से देती हूँ। अपने मन से? हाँ। कुछ 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 अमेठी में बदलाव है? हाँ। अच्छा, आपको मालूम है पिछली बार राहुल गांधी यहाँ से लड़े थे, स्मृति ईरानी ने हराया है उनको, इस बार राहुल जी की जगह दूसरे यहाँ पर प्रत्याशी आ गए, उससे कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पर? भैया, आपका कौन भी पता नहीं है। तो आप देख सकते हैं, देखिए तमाम यहाँ पर अभी भी लाइन लगी हो, चाहे वो घूंघट में महिलाएं हो, घरेलू महिलाएं। आप लोग जब वोट डालने आती क्या सोच के आती? कोई यहाँ लोकल का कोई मुद्दा होता है या कुछ और ऊपर सोचती है? नहीं, जो सही है उसको देंगे। की विकास कितना बड़ा मुद्दा है? जितना विकास बढ़ा है उन्हीं को वोट देगा। महिलाओं की सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है जब आप वोट देने? जो आगे बढ़ रहा है उसको वोट देंगे। जो उन्नत आगे बढ़ रही है, बहुत हो गया है, बहुत हो रहा है। आप लोग सुरक्षित महसूस? बिल्कुल। चूल्हा फूकते फूकते मनई का कोनो कर्म हो जाता था, फ्री में गैस मिली थी, फ्री में कॉलोनी दिए थे, और क्या करें, राशन दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए कि राहुल गांधी पिछली बार लड़े थे, इस बार प्रत्याशी बदला है, उससे कोई फर्क पड़ेगा? अब देखा, भगवान जाने क्या फर्क पड़ता है, कुछ हम क्या बता नहीं सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने कितने बुजुर्ग मतदाता हैं उनके, देखिए उनको लेके आ रहे हैं वोट डालने के लिए, एक भी वोट वेस्ट ना जाए इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और जो मतदान और इसी बीच एक बड़ी खबर, बृजभूषण शरण सिंह ने मतदान किया है, ये बड़ी जानकारी। गोंडा में बृजभूषण शरण ने वोट डाला के गांव में रहते हैं, हमारा पूरा परिवार जो है गांव में रहता है और गांव का संस्कार खूब अच्छी तरीके से बच्चों को मिला है। जो तमाम आरोप आपके ऊपर लगाए गए, क्या वो उस आरोप रहने वाला उस है? आरोप के कारण वोट बढ़ेंगे। तो मुद्दे कुछ और रहने वाले यहाँ पर, जो गोंडा, कैसरगंज और पूर्वांचल की नहीं? देखिए, कैसरगंज में एक ही मुद्दा रहता है, बृजभूषण सिंह। हाँ। और जो आरोप लगाए हैं इन लोगों ने, उसके कारण कैसरगंज लोकसभा में वोट बढ़ने वाले हैं। नेताजी, जिस तरीके से आपके बेटे पहली बार चुनावी दंगल में उतरे हैं, तो कौन सा चुनावी पैतरा आपने सिखाया है कि जिससे जीत हो सके? बाईफाल मारेंगे और क्या है, बाईफाल। तो मतलब क्लीन स्वीप की तैयारी? बाईफाल, बाईफाल चित। विपक्ष को आप किस तरह से देख रहे हैं? वोटिंग का निशान, वोटिंग का निशान। हाँ, ये वोटिंग। नेताजी, 400 पार का जो नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, क्या लगता है वो सार्थक होता हुआ? बहुत जबरदस्त तरीके से सरकार बन रही है। डिंपल यादव यहाँ आई हुई थी, उनका ये कहना है कि जो 400 पार का नारा, लोगों को कोई मतलब नहीं है।